अभी कुछ दिन पहले ही यानी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन दोस्तों 28 अक्टूबर दिन शनिवार को साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 14 दिन बाद यह ग्रहण लगेगा। खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और भारत के साथ साथ पूरे एशिया में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, यह कब समाप्त होगा, इसका सूतक का समय क्या होगा और सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान क्या क्या कार्य करने वर्जित होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं पर इस ग्रहण का क्या असर होगा और गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण से किस तरह से खुद की और अपने नवजात की रक्षा कर सकती हैं, आपको इस वीडियो में इस चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ये जानकारी हर गर्भवती महिला और जन सामान्य तक पहुंच सके, ताकि वह इस ग्रहण के नकारात्मक असर से बच सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण भारत में कब लगेगा, इसका समय क्या होगा। दोस्तों साल 2023 को 28 अक्टूबर यानी शनिवार को चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:06 से शुरू होगा और रात्रि 2:22 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1:16 रहेगी। साल 2023 में लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 3:15 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण तक जारी रहेगा, यानी 2:22 तक सूतक काल समाप्त होगा। दोस्तों सूतक काल ग्रहण लगने से 9 पहले शुरू हो जाता है और इस समय को सूतक काल कहा जाता है। कहने का मतलब है जैसे ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने मना होते हैं, वैसे ही लगभग सूतक काल में भी कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते, जिससे करने से नुकसान होता है। चंद्र ग्रहण और सूतक काल, इन दोनों ही घटनाओं को अशुभ माना जाता है और इसका बेहद ही शक्तिशाली प्रभाव खासकर गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। उनके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जा, असुरी ताकतें, अशुभ करने वाली ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा एक्टिव होती है, जो मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जरूर प्रभाव डालती है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना बचाव कर सकती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से भूलकर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, साथ ही कभी भी चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को तो चंद्र ग्रहण को देखना ही नहीं चाहिए। सूतक काल के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सूतक काल चंद्र ग्रहण लगने से 9 पहले शुरू हो जाता है, यानी शनिवार को दोपहर 3:15 से सूतक काल शुरू होगा और जब तक ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक सूतक काल भी चलेगा और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा ऐसी मान्यता है कि शिशु विकलांग तक हो सकता है। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी स्थिति है या गर्भवती महिला को कोई जरूरी काम है या फिर डॉक्टर के पास जाना है तो उस समय कुछ उपाय कर सकती है, या फिर आप गोबर का लेप लगाकर भी अपने घर से उस दौरान बाहर निकल सकती हैं, या फिर चंदन भी आप अपने पेट पर लगा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाओं को एक और उपाय करना है, सूतक काल लगने से पहले आपको
खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो पानी है, चाहे वो भोजन है, उसमें आपने तुलसी का पत्ता डाल देना है। और उस दौरान जब सूतक काल शुरू हो जाएगा, चाहे वो ग्रहण का काल भी हो, तो भी आप उस खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग कर सकती हैं, अन्यथा आपको ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान खाना पीना वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को एक और उपाय करना है। आपको अभी से एक तुलसी की माला बाजार से खरीद के रख लेनी है, और ये तुलसी की माला चाहे तो आप अभी से या फिर सूतक काल से पहले आप गले में तुलसी की माला पहने, और जब तक ग्रहण समाप्त ना हो तब तक आप उस माला को गले में धारण करके रखें। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी की माला के प्रभाव से ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा, दूषित हवा या फिर असुरीय शक्तियां गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिला को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। चंद्र ग्रहण वाले दिन गर्भवती महिलाएं सिलाई कढ़ाई, बालों में कंघी करना, सिर में तेल लगाना, दंत मंजन करना जैसे कार्य ना करें, अन्यथा इससे ग्रहण का प्रकोप हो सकता है, और ये चीजें आपने सूतक काल के दौरान भी नहीं करनी। चंद्र ग्रहण वाले दिन गर्भवती महिलाएं चाकू, सुई, कैंची, धारदार चीजों को ना तो छुएं और ना ही इसका प्रयोग करें, वरना इससे शिशु और गर्भवती महिला को नुकसान हो सकता है। सूतक काल से पहले यानी ग्रहण लगने से पहले जो समय है, यानी जो 9 घंटे पहले का समय है, उससे पहले गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने का सीधा मतलब है कि आपको स्नान अवश्य करना है, और ग्रहण खत्म होने के बाद भी गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना है। हालांकि ग्रहण रात को 2 बजे के करीब खत्म होगा, तो उस दौरान आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप सुबह स्नान कर सकती हैं। यानी ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना है, और कोशिश करनी है कि ग्रहण के वक्त जो आपने कपड़े पहने हुए थे आपने उन कपड़ों सहित स्नान करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपके कपड़े भी अछूत हो जाते हैं, इसलिए आपको कपड़ों सहित स्नान करना है। और सूतक काल लगने से पहले भी गर्भवती महिलाओं को अपने घर पर, खुद पर, अपने परिवार पर गंगा जल का छिड़काव करना है, और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए तुलसी का पत्ता मुंह पर रखकर हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति या महामृत्युंजय का पाठ मानसिक रूप से करना है, यानी बोल कर नहीं करना, केवल मानसिक जप करना है। इससे गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी अच्छा असर पड़ता है। और सूतक काल लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई का धागा या मौली लेकर उसे घर के किसी भी कोने में रख लें, खासकर उस कमरे में जहां पर आप ज्यादा समय व्यतीत करती हैं, इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।